गुड्डू, ऐ गुड्डू, ऐ गुड्डू, हमरी बात सुनो। ये नीलू कौन है? हमारे दोस्त। नहीं बेटे, नहीं। अरे बुद्धि विवेक सब घोल के पी गए हो का? उधर रुंझुन बेचारी तुम्हें खातिर करवा चौथ का व्रत रखी है, आंख मूंद कर विश्वास करत है कि उसका गुड्डू ना ही बदलिए ना ही गलत रास्ते पर जाइए, और तुम इस छिछोरियन से दोस्ती करत हो। हमने कहा था करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, अपनी मर्जी से रखा ना उसने। जब अपनी मर्जी से रखा तो अपनी मर्जी से भुगते, और फालतू का भाषण देने की कोई जरूरत नहीं हमको। हमको नहीं सुनना तुम्हारा लेक्चर लेक्चर स्वाट। ए बेटा, गुड्डू बेटा, ऐसा ना ही कहा जात है, सुहागन का हाय लगत है बेटा। अबे काहे का है, काहे का है, हमको कोई लेना देना नहीं, बस हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। तुम्हें समझ में आ रही है? तुमको समझ में नहीं रही, हम समझाते हैं अच्छे से, हम अच्छे से समझाते हैं। हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, हम दिखाते हैं क्या करना चाहते हैं। रुको तुम जरा। गुड्डू, हेलो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? घूमने के बारे में ना? हाँ ठीक है, हमारे तुम्हारे पास और रात तक घूमेंगे, हाँ लौटेंगे नहीं वापस। हम एकदम ढिंचैक तरीके से तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, रखते हैं। समझ में आ गया तुमको? अपनी आतंक को बोल देना हमारा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम देर रात तक लौटेंगे नहीं। अरे गुड्डू, ए गुड्डू, ऐसा ना ही करो बेटा, ऐसा ना ही करो, हमारी बात सुनो। अरे रुंझुन, जरा सुनो ना। मामा, ये सब क्या है? बिल्लू रानी ने कहा था कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम करें, तो हम ये साड़ी उधार लाए और ये रिक्शा किराए पे लाए हैं। अब हम फेरी वालों की तरह जगह 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 साड़ियाँ बेचेंगे। रुंझुन, थोड़ा साड़ियाँ छू लो ना। क्या है, तुम छूओगी ना तो सारी साड़ियाँ जल्दी बिक जाएंगी। मामा आप... हमें पता है भगवान उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है, लेकिन फिर भी हमारा मन रखने के लिए छू लो ना। क्या हुआ, हमारी शक्ल देख रहे हो? कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो। हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों से पानी पी के ही अपना व्रत तोड़े। शाम को घर जल्दी आ जाइएगा। क्यों जल्दी आ जाए? क्या रिश्ता तुम्हारा हमारा? जो रिश्ता था तुम तोड़ गए। तुम्हारा जो रिश्ता तुम्हारे मामा मामियों के साथ, हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे नौकर आना जैसे जल्दी आ जाएंगे। और बैठे लो, हम शहर घूमने जा रहे हैं बेटा, किसी को लेके। रात को बहुत देरी हो जाएगी, दुकान संभाल लेना। ठीक है भैया, आप फिक्र ना करिए।
सीता तो नहीं बोले ना? नहीं। देखो ना अम्मा, पता नहीं कहाँ गए, बोल रहे थे कि किसी को घुमाने ले जा रहे हैं। हमका पता है, कौनो नीलू नाम की लड़की के पास गया है। क्या बात है, तुम तो हटके लग रहे एकदम, हमने पहचाना नहीं तुमको। हाय राम, ये सुनने के लिए तो मैं मरी जा रही थी। चुप क्यों हो गए, बोलो ना गुड्डू, अच्छा लग रहा है? क्या कहें, अच्छी लग रही हो, चलो बैठो। पसंद नहीं हमको सब। क्यों डर गए थे क्या कि तुम कहीं फिर से हम पे फिदा ना हो जाओ? बेगार की बात मत करो, हमारी शादी हो चुकी है, धर्म पत्नी है हमारी। अच्छा ये सब बोल लेते हो तुम, वो भी बिना शर्माए? भूख के मारे ना हमार पेट का चोटत है, पर तुम ऐसे बैठ के फल खात हो। से घूर घूर के देख रही है, ना हमें ये पचेगा ना हमारे बच्चे को। सचा तो कलसन वाली, बेओ कलसन वाली। अबे इस तो पड़े, अबे काहे चिचिया थोबे गला फाड़ फाड़ के। बे खुश खुश खबरी है, बे खुश खबरी। अबे हमको काम मिल गया है। हाँ, और ऐसा वैसा काम नहीं मिला है, अरे वकालत का काम मिला है। रंजन सिंह है ना हाई कोर्ट के वकील, उन्होंने हमें एक केस हैंडल करने के लिए दिया है, इंडिपेंडेंट, उनका असिस्टेंट बन के काम करेंगे हम। हाँ, अब देखो कैसे दम से हम डिग्री कराते हैं। अबे बस तो पड़े, अबे दम तो न बे हमार निकला चाहते हैं, प्यास भूख के मारे तो हमार जान चाहते हैं। साला ऐसा माहौल बना रही हो तुम जैसे एक तुम ही अकेली औरत हो इस दुनिया में जो व्रत रखी है। अरे परंपरा है ये अपनी, सारी दुनिया निभा रही है, तुम भी निभा रही हो, साला एहसान का जता रही हो हमको। अबे तो करे थे बिस तो पूरे के तुमको लगा दे दो चार हाथ, पक्की का करे मजबूर है परत है। अभी दुनिया में रहो, टांग उठा के ऊपर चले जाओ, हमका कोनो मतलब नहीं है। जाते पर परत तोड़ देते, मरो चाहे जियो हो जाके अपनी पला से। अरे जाओ तोड़ दो परत, तोड़ दिए चला खुद ही मरोगी सच में। मामी मामी क्यों तोड़ रही है व्रत? मत तोड़िए, इतनी देर से रखा हुआ है ना, और यही तो हमारा रिवाज है। हम काहे रखे व्रत, अबे एक के लिए व्रत रखे है यही हमका ना। अबे चार बार सुना बत है, हम नहीं रखे व्रत, व्रत हम तोड़े थे। अरे व्रत रखा तो साला एहसान किस पे जता रही है बे, साला तोड़ना व्रत तोड़ देंगे। एक तो मामी ने आपके लिए व्रत रखा है, ऊपर से आप उनके लिए झगड़ा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको मामी से माफी मांगनी चाहिए। और हाँ मामा, आज शाम को चांद निकलने के बाद आपको मामी का व्रत तोड़वाना होगा, अपने हाथों से खाना खिला के प्यार से। श्रीमती जी, प्यार से चांद दिखाने के बाद आपका व्रत तोड़वा देंगे, अब खड़ी मत रहो, चलो। हाँ चलो, ऐसे भी ना यहाँ मार दम घुटते थे प्यास के मारे।
अरे रुंझुन बिटिया, रुंझुन बिटिया कहाँ हो? आई चाची। अरे कुछ पता है कि नहीं, ये का नरत हो रहा है? ये अच्छा लगत है का? हाँ, एक तो भले घर के बिटवा और ऊपर से बिहोता। अरे वो नौटंकी वाली नचनिया के साथ बाइक पे घूमत है तुअर गुडुआ। चाची वो उनको कुछ काम था ना, वो इसलिए गए थे। अरे तुम कहत हो तो हम मान लेते हैं बिटिया, लेकिन ध्यान दियो, मर्द जात भौरा होते हैं भौरा। अच्छा ठीक है बिटिया, हम चलत हैं। जुग जुग जिया बिटिया, जुग जुग जिया। भाभी आप इन लोगों की बातों का बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। गाय ना कन्नौज में ये तेल का ताड़ बनाने वाले ना बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। भाभी आपका व्रत बेकार नहीं जाएगा, शक्ति है भाभी इसमें, आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, वो क्या है ना भाभी, बड़ी चर्चा है आजकल गुड्डू भैया के कन्नौज में, इसीलिए हम आपको समझाने आए। वक्त रहते गुड्डू भैया को संभाल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से वक्त भी निकल जाए और गुड्डू भैया भी। अच्छा तो तुम बड़ा नेक काम कर रहे हो आजकल। हाँ हमारी तरफ से ना तुमको एक सलाह है कि ज्यादा उछलो नहीं, काबू में रहो। गुड्डू भैया की मती मारी गई है, नहीं तो तुम्हें ना बेटा अभी 2 सेकंड के अंदर ना औकात मिला देते तुमको। अब वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ तुम भी बदल जाओगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हमारी औकात नापने की बात कर रहे हो ना तुम, अपनी बदलती हुई औकात के बारे में सोचो और वैसे भी हम यहां दुकान का हिसाब किताब देखने आए। स्वयं गुट्टू भैया ने हमें यहां भेजा है और बोला है कि देखो दुकान में कहीं कुछ हेर फेर तो नहीं हो रही है। तो क्या है ना, आजकल गुड्डू भैया को हमसे ज्यादा किसी पे भरोसा जो नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये बदतमीजी ना ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। गुड्डू जी आज हमसे नाराज है इसलिए हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन तुम्हारा जो सच है ना वो जल्दी उनके सामने आ जाएगा और उनको ये पता चल जाएगा कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। और रही उस नौटंकी वाली लड़की की बात, तो तुम हमको क्या बताओगे? हमको मालूम है, कल रात वो गुड्डू जी को यहाँ छोड़ने आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुड्डू जी हमें धोखा दे रहे हैं। भरोसे की बात कर रहे हो ना तुम, हमें गुड्डू जी पे पूरा भरोसा, हमारे पति हैं वो, पर हम जानते हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। समझ लिए? अब चलो अब निकल यहां से, निकल। अरे निकल नहीं तो ना तुमको सही थी गड़िया सही ना उठाकर फेंक देंगे साले, चल निकल। भाभी भाभी इन लोगों की बात का बिल्कुल भरोसा मत करना आप, ये सब सब जो है बात को तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। हम जानते हैं गुड्डू भैया, वो लड़की फड़की पे उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। भाभी सब सही हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। जो तुमको पसंद है तुम ले लो। गुड्डू रुंझुन, रुंझुन अच्छा लग रहा है। अरे ये वाला दिखाना, ये लाल वाला। हाँ अरे हाँ, ये बहुत अच्छी चूड़ी है, आप पे बहुत अच्छी जचेंगी। अरे वाह,
गुड्डू ये देखो ना कैसा लग रहा है। हमको कैसे पता कैसा लग रहा है, सब एक बराबर है, लाल पीला नीला सब एक जैसा लगता है। ऐसा थोड़ी होता है, हैं? कुछ तुम्हारा भी तो पसंद होगा ना, बताओ ना कैसा लग रहा है। जो तुमको पसंद है तुम ले लो। गुड्डू रुंजुन 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 ये क्या बात हुई, हम पागलों की तरह पूरी मार्केट में तुम्हें ढूंढ रहे और तुम यहाँ बैठ के मेहंदी लगवा रही हो। क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या हम, देखो देखो ना। अच्छी तो लग रही हो लेकिन ऐसे थोड़ी करते हैं यार। हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों से पानी पी के ही अपना व्रत तोड़े। गुड्डू जी कहाँ होंगे। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। अरे मिठू जी, अरे मैं कहता हूँ इधर आइए। आए पांडे जी, कहाँ हुआ? अरे हम पूजा करे चाहते, आप हमका अकेले में काहे बुलाए रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ मिठू जी, अरे मुझे रज्जू पांडे को इत्र की दुकान में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अरे तनख्वाह भी बहुत बढ़िया है, बस अपना घर का खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस उपवास के बाद ना मैं ये खुशखबरी सबको बता दूंगा। आहे पांडे जी, आप एकदम बुर्बक हो गए हैं का? आपको पता नहीं है आपके भाई लोग कितने बड़े कामचोर हैं? अरे जैसे ही उन लोगों को पता चल जाइए कि आपकी तनख्वाह इतनी है जिससे कि पूरा घर चल जाए, तो बस वो लोग तो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाइए घर में, काम धंधा तो करिए ही नहीं। इसलिए कोनो को बतावे का कोनो जरूरत नहीं है। और सुनिए, आप जल्दी से जाइए और जाके हाथ मुंह धोके जल्दी से आ जाइए, पूजा का टाइम हो रहा है, अब जाइए जाइए जल्दी। अरे बंटू जी, इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए। तुम कह रहे तुम अभी जाते हैं, आज सारी साड़ियाँ बिक गई। हमें पता है कि तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई ना, अरे परेशान मत हो, एक दिन जरूर आएगा कि फिर से बिल्लूरानी साड़ी सेंटर खोलेगा। हाँ बंटू जी जरूर खोलेगा, आप जाके तैयार हो जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जल्दी से आ जाइए पंडू जी, हाँ पूजा कर लेते हैं हम। सदा सुहागन रहो। चलो अब पूजा शुरू करो। क्या सोच रहे?
सोच रही थी कि जब तुम हमको लेने आए थे तो ऐसा लग रहा था कि हमें पूरा जहान मिल गया है। अब जब तुम जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा वजूद भी चला जाएगा। तो क्या करें, रुक जाए? चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन तो ठीक है, हम रुक जाते हैं। तुम सच में रुक रहे हो? पहले हमने खातिरदारी का इंतजाम तो करो, फिर रुकेंगे हम। पता नहीं गुड्डू जी कहाँ होंगे। नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि वो जरूर आएंगे। हमरे